शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर जो 32 इयर्स बिफोर इस्टेब्लिश हुआ था, आज उसके मोर देन 42 ब्रांचेस फ्रेंचाइजीज इंडिया भर में काम कर रहे हैं। इस साल बीदर ब्रांच के हेड ऑफिस से एक स्टूडेंट हमारा कार्तिक रेड्डी 9th रैंक ऑल इंडिया का लाया है, और इस तरह से वो कर्नाटका स्टेट का फर्स्ट रैंक है, और अरबाज अहमद 85th रैंक ऑल इंडिया और कर्नाटका का थर्ड रैंक लाते हुए बीदर का शाहीन का नाम रोशन किए हैं। कार्तिक रेड्डी वो दिल्ली एम्स में एडमिशन के लिए दिल्ली चले गए, आज यहाँ पर उनको मौजूद रहना था लेकिन एडवांस जाना ज़रूरी था थोड़ा, इसलिए वो गए हैं। और अरबाज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो 85th रैंक लाया है। शाहीन बीदर में इस साल 400 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल रही है, जो कर्नाटका स्टेट के गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट्स का मोर देन 10% होता है। मोर देन 10% सीट्स ऑफ कर्नाटका स्टेट फ्री सीट्स। इस तरह से ऑल इंडिया के 0.7% सीट्स शाहीन अलोन बीदर को मिल रहे हैं, और नेचुरली ये कामयाबी स्टूडेंट्स स्टाफ और पेरेंट्स सबके कंट्रीब्यूशन का नतीजा है। और बीदर जो कभी एक एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहला जाता था, वहाँ पर 23 स्टेट्स के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, और वहाँ पर एक मिला जुला प्यार भरा कल्चर है और डिसिप्लिन है। शाहीन में शाहीन जो है मोबाइल फ़ोन फ्री है, ऑटोमोबाइल फ्री है, यानी स्टूडेंट को जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उनको बाइक पर आने की इजाज़त नहीं होती, को एजुकेशन फ्री है और ट्यूशन फ्री है। हमारे 17,000 स्टूडेंट्स इंडिया भर में ट्यूशन नहीं जाते, हम ट्यूशन को इरेडिकेट करने में कामयाब हुए हैं, और बीदर डिस्ट्रिक्ट आज हमारी छोटी सी कोशिशों के नतीजे में ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ट्यूशन एक बीमारी है, एक कमज़ोरी है जो ख़त्म हो गया है, और सारी की सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की तमाम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नीड्स शाहीन पूरा करने की कोशिश करता है। शाहीन में गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, और इसी वजह से शाहीन को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड राज उत्सव अवार्ड 2013 में मिला है, जो अब तक सिर्फ दो इंस्टीट्यूशंस को ही ये अवार्ड दिया गया है। ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता था लेकिन दो इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, और वो है जिसमें शाहीन भी एक मौजूद है। और शाहीन में हॉस्टल के साथ सहूलतें हैं, स्टूडेंट्स को हम डिसिप्लिन बनाना हार्ड वर्कर बनाना के लिए हम कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल की वजह से एक भाईचारगी के फ्रेंडली इन्वायरमेंट की वजह से स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ता है और स्टूडेंट्स रिज़ल्ट ला रहे हैं। जब रिज़ल्ट आया तो एक पोजीशन जब शाहीन को मिली तो हम समाज को कुछ देने का तय किए हैं, और वो ये कि इस साल हमारे सारे ब्रांचेस में नीट रिपीट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 करोड़ रुपीज़ की फ़ी स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो उनके नीट के मार्क्स के बेसिस पर दिए जाएंगे। सिर्फ गरीबी की वजह से, सिर्फ पैसे की वजह से कोई स्टूडेंट अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर रहा है, वो काबिल है, वो मार्क्स ला रहा है, वो कैपेबल है, तो उसको मौका देना चाहिए। तो हम ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पेरेंट्स ये पेंडेमिक में कोरोना की वजह से जिनका देहांत हुआ है, उन बच्चों को 100% फ़ी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन लिए हैं और ले भी रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स किसान हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और वो लोन की कर्जे की बोझ की वजह से सुसाइड किए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम लेकर फिर 100% फ़ी स्कॉलरशिप के साथ मौका दे रहे हैं, और हमारे सारे ब्रांचेस में 5 करोड़ रुपीस की फ़ी स्कॉलरशिप रहेगी। कम्युनिटी शाहीन में स्पेशलिटी है, ये शाहीन में हर कम्युनिटी के लोग साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं,
और हमारा मानना है हमारे देश को आज कम्युनल हारमोनी की, भाईचारगी की, मोहब्बत की ज़रूरत है और हम शाहीन में ऐसा ही करते हैं। आज से 3 साल पहले वचनाश्री पाटिल शाहीन की टॉपर रही जो इंडिया में नाम कमाई, उसके बाद विनीत मैगुर 3rd रैंक और 1st रैंक वेटनरी में लाया और वो बीदर का नाम रोशन करा। इसी तरह जो है अब इस साल कार्तिक रेड्डी जो है बीदर का नाम रोशन करा है और बीदर में आज से 2 साल पहले का एक रिज़ल्ट हमारा आया था, बड़ा अच्छा प्यारा रिज़ल्ट था जो मैं भी उस हैरान था कि ऐसा कैसा रिज़ल्ट है। ये हमारे 10 टॉपर्स जो है 1 to 10 टॉपर जो थे उनको हम एनालाइज करें तो लकीली इस तरह से मिक्सअप थे। 10 टॉपर्स में पहला मुस्लिम था, 2nd नॉन मुस्लिम, 3rd मुस्लिम, 4th नॉन मुस्लिम, 5th मुस्लिम, 6th नॉन मुस्लिम, 7th मुस्लिम, 8th नॉन मुस्लिम, 9th मुस्लिम, 10th नॉन मुस्लिम, इस तरह से मिक्सअप रिज़ल्ट था। और हमारा मानना है हिंदू मुस्लिम शाहीन के 2 बाजू हैं, 2 विंग हैं और इसी वजह से शायद शाहीन को आज समाज की, बच्चों की, इस जनरेशन की सेवा का मौका मिल रहा है।